तो हेलो गाइस, आज हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं हमारे फोर्थ यूनिट पे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के। हमारे फोर्थ यूनिट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, उस पे आज हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। डिजिटल मल्टीमीटर इज यूज्ड फॉर, डिजिटल मल्टीमीटर किसके लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए है मेजरिंग एसी एंड डीसी करंट, वोल्टेज रेजिस्टर। ऑप्शन बी है मेजरिंग एसी करंट एंड वोल्टेज। ऑप्शन सी है मेजरिंग डीसी करंट एंड रेजिस्टर। ऑप्शन डी है मेजरिंग एसी वोल्टेज एंड रेजिस्टर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, दैट इज मेजरिंग एसी एंड डीसी करंट वोल्टेज रेजिस्टर। ओके, करंट इज कन्वर्टेड टू वोल्टेज, कहाँ पे करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है? हमारा रेजिस्टर ही होता है जो करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। द रेजिस्टर मेजरमेंट मीटर कंटेन्स हाई करंट सोर्सेस, बी मीडियम करंट सोर्सेस, सी लो करंट सोर्सेस और डी लो वोल्टेज सोर्सेस। तो इसका राइट ऑप्शन है लो करंट सोर्सेस। नेक्स्ट, द आउटपुट ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर इज, हमारे डिजिटल मल्टीमीटर का आउटपुट क्या होता है? मैकेनिकल होता है, ऑप्टिकल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है या फिर एनालॉग होता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? दैट इज ऑप्शन सी, उसका आउटपुट क्या होता है? इलेक्ट्रिकल आउटपुट होता है। इन DMM रेजिस्टर इज मेजर्ड यूजिंग, तो रेजिस्टर को कैसे मेजर किया जाता है? हम कांस्टेंट करंट सोर्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारे रेजिस्टर को मेजर करते हैं, किसमें? हमारे डिजिटल मल्टीमीटर में। नेक्स्ट, इन अ डिजिटल मल्टीमीटर एसी वोल्टेजेस आर मेजर्ड यूजिंग, कैसे मेजर किया जाता है एसी वोल्टेज को? रेक्टिफायर और फिल्टर की हेल्प से मेजर किया जाता है। द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ सजेस्ट दैट डैश डैश इज यूज्ड टू मेजर मोर देन वन क्वांटिटी, ऐसा क्या है जो एक से ज़्यादा क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए है CRO, ऑप्शन बी है DSO, ऑप्शन सी है DMM दैट इज डिजिटल मल्टीमीटर और ऑप्शन डी है पावर स्कोप। देखो इसका राइट ऑप्शन क्या है, सिंपली ऑप्शन सी है, दैट इज डिजिटल मल्टीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, DMM हैज ऑलमोस्ट एंटायरली रिप्लेस डैश डैश ड्यू टू द मेनी रीजंस, हमारे डिजिटल मल्टीमीटर ने एनालॉग मीटर्स को रिप्लेस किया। इन डिजिटल मल्टीमीटर डैश डैश ब्लॉक गिव्स डिजिटल आउटपुट, कौन होता है हमें जो डिजिटल आउटपुट देता है? दैट इज ऑप्शन ई, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, जिसके वजह से हमें क्या मिलता है? डिजिटल आउटपुट मिलता है। एडवांटेज ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर ओवर एन कन्वेंशनल एनालॉग मीटर, क्या एडवांटेज क्या है? ऑल ऑफ द अबव, इसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ऊपर के ऑप्शन करेक्ट है। जो भी हमारा फंक्शन जनरेटर होता है कैन नॉट प्रोड्यूस, वो रैंप आउटपुट को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ऐसा कहा गया है यहाँ पे, तो ये क्या है? गलत है। Which of the following comparator is used in a function generator to give an square wave output? Okay, square wave output के लिए कौन सा comparator, कौन से type of comparator दिया जाता है? Positive feedback comparator, that is schemic trigger दिया जाता है। Which block in a function generator converts a triangular wave into a sine wave? कौन सा block है? Integrator का है, comparator का है, constant current सोर्स का है या फिर डायोड वेव शेपिंग सर्किट का है? किसका है? ऑप्शन डी, दैट इज डायोड वेव शेपिंग सर्किट। नेक्स्ट, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्क्वेयर वेव एंड द पल्स जनरेटर इज देयर, क्या होता है उन दोनों का डिफरेंस? वेव फॉर्म का शेप होता है या फिर ड्यूटी साइकिल्स होता है, फ्रीक्वेंसी रेंज होता है या फिर कॉस्ट होता है? इसका राइट ऑप्शन है बी, दैट इज ड्यूटी साइकिल। द फंक्शन जनरेटर, द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ एन इंटीग्रेटर इज, वो उसकी वेव फॉर्म कैसी होती है? ट्रायंगुलर होती है। CRO, द स्पॉट मूव्स वेरी रैपिडली ऑन अ स्क्रीन, देयरफॉर ड्यू टू डैश डैश वी फील दैट अ कंटिन्यूअस वेव फॉर्म इज बींग डिस्प्ले। ऑप्शन ए इज अ फास्ट इलेक्ट्रॉनिक स्विच, ऑप्शन बी इज अ हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, ऑप्शन सी इज अ वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, ऑप्शन डी इज इलेक्ट्रॉन गन और ऑप्शन डी इज अ परसिस्टेंट ऑफ विजन, और इसका आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन ई। पावर स्कोप इज जनरली, पावर स्कोप क्या होता है हमारा? वेवफॉर्म जनरेटर होता है या फिर DSO होता है या फिर सिंगल ट्रेस CRO यह होता है या फिर ड्यूअल ट्रेस CRO होता है? इसका राइट ऑप्शन क्या है? ड्यूअल ट्रेस CRO, CRO स्टैंड फॉर, कितना ईजी क्वेश्चन आया है आपको,
कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसका राइट आंसर है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। सीआरओ गिव्स, क्या देता है हमें सीआरओ? विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है। ऑसिलोस्कोप, ऑसिलोस्कोप क्या होता है? हमारा वोल्टमीटर होता है। इन सीआरटी इलेक्ट्रॉन बीम इज डिफ्लेक्टेड इन वन डायरेक्शन, फोर डायरेक्शन, थ्री डायरेक्शन, टू डायरेक्शन। कितने डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्ट होता है? ये सिर्फ दो डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है। सीआरओ इज ए, सीआरओ क्या होता है? फास्ट एक्स वाई प्लॉटर होता है, या फिर स्लो एक्स वाई प्लॉटर होता है, या फिर मीडियम एक्स वाई प्लॉटर होता है, या फिर नॉट अ प्लॉटर। इसका राइट ऑप्शन है फास्ट एक्स वाई प्लॉटर। सीआरओ कांट डिस्प्ले माइक्रोसेकंड्स टाइमर, ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? ये गलत है, ये माइक्रोसेकंड्स में भी वेवफॉर्म दिखाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।